हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मी गोंजी पे अटैक हो जाता है और तांग सांग इसे सेव करता है। लास्ट में पता चलता है कि मी गोंजी भी ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, मगर हायर रैंक पे है। तांग सांग लास्ट पार्ट में अपने हंटिंग मिशन पे फोकस करना स्टार्ट करता है। अब आगे मॉर्निंग होते ही मी गोंजी का टीम अब विंग टाइगर के एरिया की ओर आगे बढ़ता है। इनके पास एक काफी अच्छा डिटेल मैप भी है और इस बार इनका मिशन 2 से 3 विंग टाइगर को हंट करना है। सॉन्ग जून मी गोंजी की ओर देखता है जो कि ख्यालों में डूबी होती है लास्ट नाइट जो हुआ था इसे लेकर। मी गोंजी अभी भी डिस्टर्ब है। तांग सांग तो लास्ट नाइट सोच रहा था कि मी गोंजी को कहीं ये सॉन्ग जून सेव ना कर दे और इसके दिल में अपना जगह ना बना ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और जो लास्ट नाइट तांग सांग ने किया था इससे मी गोंजी के दिल में काफी डीप इम्प्रेशन भी इसका बन गया है और ये उसे भूल भी नहीं पा रही है। अब आफ्टरनून का समय हो जाता है और इनका टीम अभी भी एक भी विंग टाइगर को सर्च नहीं कर सका है। इनके टीम में एक स्पैरो मॉन्स्टर भी है जो कि आगे जाकर एरिया को स्कैन भी कर रहा है। इनके टीम में एक डीमन एप मॉन्स्टर भी है जो कि 7 टीयर पे है और इसका पावर भी काफी ज्यादा है। इतने में स्पैरो मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है, कैप्टन मैंने एक विंग टाइगर को आगे नोटिस किया है। ये सुनकर अबे ये सॉन्ग जून कहता है, क्या सच में? अच्छा है, तुमने उसके लोकेशन को याद तो कर लिया है ना। इस पे ये कहता है हाँ। अब ये इस टाइगर की ओर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद है ये इस टाइगर के गुफे के पास में आ जाते हैं। इधर जब ये इतने करीब आ जाते हैं तो फिर इधर तांग संग का ग्रुप भी इनके ग्रुप से 2 किलोमीटर के दूरी पे होता है। दू भाई कहता है, वो विंग मैंने उनके टीम पे बैड लक को डाल दिया है, जैसा कि तांग सांग ने कहा था मुझे करने को। मुझे अपने लक एनर्जी को वापस रिकवर करना होगा, इसमें 1 घंटा का समय लगने वाला है। इस पे वो विंग कहता है, जल्दी करो और अपने एनर्जी को रिकवर कर लो। इधर सॉन्ग जून अपने टीम को लेकर ये केव में आ जाता है और ये इसके अंदर जाने का ऑर्डर देता है। यहाँ पर सभी को एक गुस्से में विंग टाइगर के चिल्लाने का आवाज भी आता है और सभी इसे सुनते हैं। सॉन्ग जून अपने हाथ को मूव करता है और अब यान टियान आगे जाता है और अब इसके टीम मेट आगे जाते हैं। सॉन्ग जून का हेयर भी ग्रो करता है और इसके लायन का पावर भी निकल कर सामने आता है और जो सी लायन की आवाज में भी चिल्लाता है। इसका गोल्डन फ्लेम भी निकल कर सामने आता है और ये अपने गोल्डन ब्लड लाइन के पावर को भी शो करता है। इसके पावर के साथ में ये एक 7 टियर विंग टाइगर को सप्रेस कर सकता है। इधर टाइगर भी अपने विंड एलिमेंट का यूज करता है, विंड ब्लेड का, मगर गोल्डन ब्लड लाइन भी कम नहीं है, ये टाइगर के पावर को काफी सप्रेस करता है। विंग टाइगर भी नहीं जानता था कि इसका ओपोनेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है और अपने गोल्डन ब्लड लाइन का यूज करके इसे डैमेज भी कर सकता है। इस टाइम पे जब सॉन्ग जून इस विंग टाइगर को हिट कर रहा था, इतने में एक और विंग टाइगर यहाँ पे आ जाता है। हालांकि सॉन्ग जून इसे देखकर रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि इधर डीमन एप मॉन्स्टर इसके टीम में जो है ये आगे जाता है। इसके हाथ में काफी बड़ा सा डंडा है जो कि लोहे का बना हुआ है और ये अपने डंडे से इस टाइगर पे जोर से अटैक करता है। इधर सॉन्ग जून के अटैक से विंग टाइगर भी जमीन पे गिर जाता है। सॉन्ग जून अपने मुंह को खोलता है और ये इस विंग टाइगर को अपने गोल्डन फ्लेम से बर्न करना स्टार्ट करता है। इधर बाहर में ये डीमन एप भी अपने डंडे से मार मार के इस टाइगर को डिफीट कर देता है। इसका टीम भी काफी स्मूथली इन विंग टाइगर को डिफीट कर देते हैं। अब ये यहाँ से निकलने का तैयारी भी करने का सोचते हैं और जैसे ही ये ऐसा करते हैं एक विंग टाइगर यहाँ पे ये अभी टोटल 3 विंग टाइगर को हंट किए हैं। केव के अंदर में एक और 5th ईयर का विंग टाइगर था और इसे भी इन्होंने किल कर दिया है। जबकि ये 3 विंग टाइगर को हंट कर चुके हैं, फिर ये इनके बॉडी को अपने स्टोरेज बैग में डाल देते हैं और यहाँ से निकलने का तैयारी करते हैं। लेकिन इतने में ऊपर स्काई में फ्लाइंग मॉन्स्टर आ जाता है और इन्हें देखकर ये सभी भी हैरान होते हैं। इसे देखकर मी गोंजी का टीम भी रुक जाते हैं और इसे देखकर इनका ग्रुप भी अब रुक जाता है। सॉन्ग जून कहता है, रेडी हो जाओ और फाइट करने के लिए तैयार रहो। दूसरे भी ये सुनकर एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं और रेडी होते हैं इसे फाइट करने के लिए। यहाँ पर भी टोटल 2 विंग टाइगर यहाँ पे आ चुके हैं और ये दोनों ही 7th ईयर पे है और ये काफी गुस्से में भी है और ये काफी चिल्ला रहे होते हैं और काफी विंड एनर्जी भी यहाँ पे फ्लो कर रहा है। सॉन्ग जून अपने गोल्डन ब्लड लाइन को शो करता है और इन दोनों के पावर को सप्रेस करता है। इससे ये टाइगर भी सरप्राइज है, ये भी यहाँ पे गोल्डन ब्लड लाइन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मॉन्स्टर वर्ल्ड में गोल्डन ब्लड लाइन का काफी इंपॉर्टेंस है। देखते ही देखते बस 2 मिनट के अंदर में ही सॉन्ग जून एक टाइगर का विंग को काट देता है। इधर ग्रेट डीमन एप भी फाइट कर रहा है इस टाइगर मॉन्स्टर से, इसका भी बैटल काफी फास्ट खत्म हो जाता है। जबकि डीमन एप का फिजिकल पावर काफी ज्यादा है तो फिर ये टाइगर का बैकबोन को ही पीट पीट कर ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इन दोनों 7th ईयर विंग टाइगर को ये पैक कर देते हैं। अब ये यहाँ इस जगह से निकलते हैं, मगर बस थोड़ी देर में ही स्पाइडर मॉन्स्टर आता है और ये काफी डरा हुआ भी है और ये कहता है, विंग टाइगर आ रहे हैं, इस बार ये काफी पावरफुल भी हैं। इस टाइम पे इनका टीम का पावर भी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये लगातार फाइट कर रहे होते हैं और फाइट के कारण से अब ये थक भी चुके हैं, इन्हें रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिला है, तो ये अपने एनर्जी को रिकवर भी नहीं किए। सॉन्ग जून सभी को यहाँ पे हाइड करने को कहता है, ये भी सोचता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक विंग टाइगर को हंट करने आए थे इस गेम में, मगर यहाँ
तो एक के बाद एक काफी सारे विंग टाइगर यहाँ पे आ रहे हैं। इससे ये भी काफी सरप्राइज है, इधर वो भी अपने आइस नेल का यूज कर इन विंग टाइगर को इनके डायरेक्शन में सेंड कर रहा होता है। ये विंग टाइगर पे अटैक कर इन्हें इस ओर लेकर आ रहा होता है, और जब ये यहाँ पे आ जाता फिर ये यहाँ पे पेड़ों में छुप जाता, और ये विंग टाइगर आकर सॉन्ग जुंग के ग्रुप के सामने आ जाते हैं और इन दोनों का फाइट यहाँ पे हो जाता। तांग संग इस प्लान का यूज कर ये काफी एंजॉय कर रहा है। तांग संग चाहता है कि ये विंग टाइगर से फाइट करे और ये काफी वीक हो जाए कि इनके पास फाइट करने का पावर भी ना बचे, और ये इनके हंट को इनसे छीनना चाहता है। तांग संग चाहता है कि ये विंग टाइगर को डिफीट करे और तांग संग इन विंग टाइगर को लेकर यहाँ से निकल जाए। तांग संग का प्लान तो काफी सिंपल था, मगर करने में काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि चैंगजी जो कि फ्लाई कर सकती है ये 50 लेवल पे है, तो टाइगर भी इसे जल्दी ही कैच भी कर सकता है, जबकि ये भी टाइगर को इस डायरेक्शन की ओर में सेंड कर रही होती है, तो फिर वो विंग का भी लेवल उतना ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी ये दोनों किसी तरह से मैनेज कर पाते हैं। इस कारण से ही ये थोड़ा रिस्की भी था। और सेकंड टाइम जो विंग टाइगर आए थे ये काफी पावरफुल थे, वो भी यहाँ पे दुबई से कहता है तुम देख सकते हो वहाँ पे क्या चल रहा है। इस पे ये कहता है नहीं, मैं अभी अपने पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ। फॉक्स आई और पापा डिमन आई, इन दोनों को यूज करने से काफी ज्यादा पावर खत्म होता है। इधर इस टाइम पे सॉन्ग जुंग के टीम का भी हालत काफी खराब है, ये भी जानते हैं कि तीन विंग टाइगर आ रहे हैं, इनमें एक 8 tier लेवल पे है और दो 7 tier लेवल पे है। सॉन्ग जुंग का टीम अभी के बैटल के बाद ये फुल्ली अपने पिक कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये किस तरह से फाइट भी कर सकते हैं। सॉन्ग जुंग भी समझ नहीं पा रहा है कि इसके टीम के अगेंस्ट में कौन साजिश कर रहा है। इधर 8 wing टाइगर का बॉडी इस पर काफी विंड एनर्जी है, इसके हेयर भी विंड एनर्जी में कवर है। सॉन्ग जुंग के फोर हेड पे इसका गोल्डन क्राउन आता है, गोल्डन क्राउन एक गोल्डन ब्लड लाइन वाले डिमन पे ही अपीयर होते हैं। इसे देख कर विंग टाइगर भी काफी गुस्सा करता है। अब 3 wind blade कंडेंस होता है। इधर सॉन्ग जुंग हेल्थ का उम्मीद कर रहा है। इस टाइम पे सॉन्ग जुंग का गोल्डन फ्लेम और टाइगर का विंड ब्लेड दोनों ही कोलाइड करते हैं। सॉन्ग जुंग इस 8 tier विंग टाइगर से फाइट करता है और इसके टीममेट 7 tier विंग टाइगर से फाइट करते हैं। डीमन एप अपने स्टिक से फाइट करता है, डीमन एप अपने डंडे से फाइट करता है। कैट डीमन इनके टीम में ये अपने स्पीड का यूज करती है और फाइट करती है। इनके टीम में बियर मॉन्स्टर भी है और ये अपने पावर से इन टाइगर के अटैक को ब्लॉक करता है। इधर मी गोंजी अपने पीकॉक फेदर का यूज कर इन टाइगर के आई पे अटैक करती है इसे ब्लाइंड करने के लिए। इधर तांग संग भी दूर से इनके टीम के सिचुएशन को देख रहा है, ये भी जानता है कि ये तीन टाइगर इनके ग्रुप का कुछ खास कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तांग संग मी गोंजी के पावर को जानता है और साथ ही इस लैंड बॉय के पावर के बारे में भी ये जानता है। तांग संग जानता है कि ये लोग अभी अपने टर्म कार्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, अगर ये इतने वीक होते तो फिर कैरी कॉलेज इन्हें यहाँ पे अकेले कभी भी सेंड नहीं करता, इनके साथ जरूर एक टीचर सेंड करता, मगर ये किसी भी टीचर के साथ में यहाँ पे नहीं आए हैं, तो इनके कॉलेज को भी लगता है कि ये यहाँ के प्रॉब्लम को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। एक गोल्डन ब्लड लाइन होने का एक फायदा है कि इनके पास एनर्जी काफी ज्यादा होता है जो कि काफी लंबे समय तक भी चल सकता है। चैंगजी कहती है आगे हम क्या करने वाले हैं। इस पर तांग संग कहता है तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, आगे का काम अब मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा। तांग संग इनके बैलों को देख रहा है और ये अब अपने क्रॉसबो को निकालता है और अपने थंब को कट कर इसे ब्लड को ड्रॉप करता है। ब्लड आते ही अब विंड एनर्जी काफी यहाँ पे रिलीज होता है और इस एनर्जी को सॉन्ग जुंग का ग्रुप भी फील कर लेता है। हालांकि अभी ये टाइगर उतना फील नहीं किया है, मगर सॉन्ग जुंग सोचता है कि कोई दूसरा टाइगर भी यहाँ पे क्या आ रहा है। तांग संग अब अपने ऑरा को काफी कम करता है और ब्लू सिल्वर एम्परर के पावर को यूज कर ये खुद के ऑरा को प्लांट के जैसा कर लेता है और ये सराउंडिंग प्लांट के जैसे खुद के बॉडी को ढक लेता है प्लांट से और सॉन्ग जुंग के ग्रुप के करीब में जाता है। इधर सॉन्ग जुंग अब कहता है इन्हें इन टाइगर को डिफीट कर अब यहाँ जगह से निकलना होगा। तुरंत ही अब ये अटैक कर देता है और ये इस 8 tier टाइगर के विंड डिफेंस को ब्रेक कर इसे हिट करता है। गोल्डन फ्लेम इस बार टाइगर को काफी जोर से हिट करता है। टाइगर हिट होते ही अब ये अटैक नहीं करता और ये टाइगर यहाँ से भागना चाहता है। जब सॉन्ग जुंग देखता है कि ये टाइगर भागने वाला ये कहता है तुम भाग नहीं सकते हो जबकि तुमने हम पे अटैक किया है, तो फिर और ये अपने फ्लेम से एक गोल्डन फ्लेम बॉल को बनाता है और इस टाइगर पे हिट करता है। हिट होते ही टाइगर अब जमीन पे गिर जाता है और ये काफी पेन में जोर से चिल्लाता है। इधर तांग संग भी इनके काफी करीब में अब आ चुका है और ये देखता है कि ये टाइगर का पावर भी अब काफी सप्रेस हो रहा है और जो पावर फाइट में सॉन्ग जुंग का लॉस्ट हो गया था ये अपने गोल्डन ब्लड लाइन के कारण से ये फास्ट रिकवर भी कर लेता है। सॉन्ग जुंग भी जानता है कि अभी ये मजाक नहीं कर सकता है और शायद कोई एनिमी यहाँ पे छुपा हुआ है जो इन टाइगर को यहाँ पे सेंड कर रहा है और इस कारण से ये खुद को हील भी करता है। टाइगर के जोर से चिल्लाने से इधर 2 7 wing टाइगर इसके आवाज को सुनकर अभी अपने ओपोनेंट को पीछे की ओर पुश करते हैं। डीमन कैट और डीमन ए पे ये दोनों ही मीगोंजी के पास में आकर इसे प्रोटेक्ट करते हैं। इधर सॉन्ग जुंग भी इस सीन को देखकर इनके पास में आ जाता है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर नेक्स्ट सीन को देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। अब सभी डायरेक्शन से यहाँ पे विंग टाइगर आना स्टार्ट कर जाते हैं और इन पे अटैक करना भी। इस टाइम पे सॉन्ग जुंग को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारे टाइगर यहाँ पे कैसे आ गए और ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। जब तांग संग ने अपने ब्लड एसेंस को ड्रॉप किया था फिर इसमें टाइगर क्वीन का भी ब्लड ऐड था जो कि लास्ट टाइम पे तांग संग ने टाइगर किंग के वाइफ को और इसके चिल्ड्रन को किल करने के बाद में सॉलो किया था। इस ब्लड के कारण से विंग टाइगर किंग इस एनर्जी को फील कर लिया है और ये अब यहाँ पे दूसरे टाइगर विंग को समन कर चुका है। लास्ट टाइम तो मेयर ने इस टाइगर किंग को इंजर
करके यहाँ से भगा दिया था। इस टाइम पे तांगसांग सोंगजुंग और इसके ग्रुप के बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर रहा है। ये जानता है कि मी गोंजी अकेले ही 5 8-tier level के मॉन्स्टर को हैंडल कर सकती है। इस टाइम पे जितने भी टाइगर विंग यहाँ पे हैं, ये सभी 7 tier level के ऊपर के ही है। सोंगजुंग इनका स्टोरेज बैग भी, जबकि ये काफी ज्यादा विंग टाइगर के बॉडी को जमा कर चुके हैं, तो फिर ये इतने सारे टाइगर को किल करके यहाँ से लेकर तो जा नहीं सकते हैं। और इस बात का तांगसांग भी फायदा उठाने वाला है। इस टाइम पे डीमन ए पे डीमन कैट है, इन सबको छोटे मोटे इंजरी आया होता है। इनका टीम अभी तो उतना ज्यादा इंजर नहीं है, मगर ये काफी थक चुके हैं। सोंगजुंग अपने पीछे अपने टीममेट को देखता है और मी गोंजी को। मी गोंजी और इनका टीममेट ये साथ में यहाँ से भाग रहे होते हैं और मी गोंजी भागते हुए यहाँ पे कोई भी इमोशन को शो नहीं कर रही है। अब सियाजुन आता है और ये कहता है, कैप्टन हमें अब क्या करना चाहिए। इस पर सोंगजुंग कहता है, इस टाइम पे सोंगजुंग के टीममेट टाइगर से बचकर भाग रहे होते हैं। ये ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं रहे हैं, मगर यहाँ पे सियाजुन जो की एक बियर डीमन है, ये रुक जाता है और ये 6 tier level पे है। सोंगजुंग इसे देखकर कहता है, इडियट तुम्हें भी तो चले जाना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्यों रुके। ये यहाँ पे कैप्टन के साथ में फाइट करने को रुका है, मगर सोंगजुंग इसे कहता है यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। इससे पहले के बियर डीमन कुछ कर पाता, एक 9 tier का टाइगर विंग आ जाता है ऊपर स्काई से। इस टाइम पे सोंगजुंग रुक कर फाइट करने का सोचता है, ये अपने टीममेट को भागने में हेल्प करना चाहता है इन टाइगर विंग को यहाँ पे रोक कर, और सेकंड भी ये देखना चाहता है कि मी गोंजी इसके हेल्प के लिए आगे आती है या नहीं, क्योंकि रात में इसने जो देखा था कि मी गोंजी उन पीकॉक डीमन को भगा दी थी। ये अपने आंखों से तो फाइट को नहीं देखा था, मगर ये जानता है कि फाइट हुआ था और वो भाग गए थे। इधर बियर डीमन को टाइगर एक जोरदार अटैक से हिट करता है और ये पीछे की ओर में ब्लास्ट होता है। इस टाइम पे यहाँ पे काफी ज्यादा विंड एनर्जी को भी फील किया जा सकता है। सोंगजुंग भी डर जाता है। विंड टाइगर किंग इस टाइम पे अपने वाइफ के किलर को पहचान भी नहीं रहा है, ये बस उसके ऑर्डर को फील कर यहाँ पे सभी को किल कर देना चाहता है। इधर तांगसांग इस सीन को देख रहा है और ये खुश भी है। यहाँ पे मी गोंजी नहीं है, सोंगजुंग 8 tier level पे है और इसके सामने 9 tier का विंड टाइगर किंग है। सोंगजुंग के पास गोल्डन ब्लड लाइन है, मगर ये पहले के बैटल से काफी थक भी चुका है। ये सोचता है कि इसे इस सिचुएशन से निकलना होगा। तुरंत ही अब सोंगजुंग इन टाइगर से बचता हुआ भागता है। ये देखकर टाइगर किंग जोर से चिल्लाता है और टाइगर आकर सोंगजुंग के रास्ते को ब्लॉक करता है। इस टाइम पे तांगसांग भी इसके एनर्जी को फील करता है। सोंगजुंग अपने एंसेस्टर से प्रे करता है और कहता है, डियर एंसेस्टर मुझे ताकत दे कि मैं इनका सामना भी कर सकूं। अब इसका भी लाइन का चिल्लाने का आवाज आता है और ये अपने गोल्डन ब्लड लाइन के पावर को रिलीज करता है और अपने गोल्डन फ्लेम से अटैक करता है। तुरंत ही अब इसके पावर से विंड टाइगर जमीन पे गिर जाते हैं इंजर होकर। ये सभी 7 tier के विंड टाइगर हैं। तुरंत ही अब सोंगजुंग ये अपने पावर का यूज कर बियर डीमन के बॉडी को पकड़ता है और अब ये अपने गोल्डन लाइन के पावर को यूज कर इसे लेकर यहाँ से निकलता है। इधर तांगसांग भी सीन को देख कर काफी सरप्राइज है। तांगसांग अभी ये भी देखा कि सोंगजुंग का अटैक एक 9 tier level का था, हालांकि अभी ये 9 tier पे नहीं गया है। विंड टाइगर किंग भी इस अटैक से हिट हुआ है और वो भी काफी हार्ड। तांगसांग जानता है कि अगर ये इसके गोल्डन फ्लेम का सामना कर रहा होता तो फिर ये बच भी नहीं पाता, इसे अपने पूरे डिवाइन पावर को यूज करना पड़ जाता इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और इसलिए ये भी सरप्राइज है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।